तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपको हमारा तालीमपुर एसएनएस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आए हुए हैं मधुबन ग्राम में, जहां पर रात्रि का समय है, लगभग 7:30 बज चुका होगा। तो कोई धामन सांप निकला हुआ है, तो चलिए उसको निकालते हैं और दिखाते हैं कि कौन सा सांप है। और दोस्तों यदि धामन सांप होगा तो बिना विषैला सांप होता है, उससे खतरा वाला बात नहीं है, लेकिन भय का माहौल है जिसके कारण से सांप को बाहर निकाल करके हम लोग दूर ले जा करके छोड़ देंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस सांप को इंडियन ड्राइविंग यानी धामन सांप बोला जाता है, जो कि बिना विषैला सांप होता है दोस्तों। और इसके ना तो पूंछ में बीत होता है, ना ही इसके मुंह में बीत होता है। ठीक है, तो इसे थोड़ा भी डरने वाला बात नहीं है। काफी बड़ा साइज का सांप है। हटिए, होने से हटिए था। इसका पसंदीदा भोजन चूहा है, इसीलिए इसको इंडियन रेड स्नेक सांप बोला जाता है। और बाइट काफी तेजी में करता है दोस्तों, लेकिन इसे 1% भी जहर नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए इसको देख सकते हैं, बाइट करने का प्रयास कर रहा है। सांप चाहे कोई भी हो, रात्रि के समय ज्यादा एक्टिव होता है, क्योंकि इसको ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देता है, काला इसको ज्यादा दिखाई देता है। यही कारण है कि रात्रि के समय यह सांप जो होता है काफी एक्टिव होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों इधर तो बुरा में रख देते हैं। आप ऐसा कार्य न करें, क्योंकि गलती से भी बाइट कर दिया तो फिर जिंदगी और मौत का बात आ जाता है। इसलिए यदि आपको पता नहीं है कि एथनिक रेस्क्यू कैसे करना है, तो कृपया कर आप लोग ऐसा ट्राई न मारे। गलती लगा था कि यहाँ क्या उधर कीजिए, उधर कीजिए। घंटा से तो दोस्तों बहुत सारा अंधविश्वास फैलाया गया है बिहार में, भारत में। इसके पूंछ में बीत होता है, तो दोस्तों इसके पूंछ में कोई बीत नहीं होता है। अगर पूंछ में बीत होता तो ये हमें मार देता और हमारा भी मौत हो जाता, तो केवल अंधविश्वास है। और यह अपना पकड़ से जाना जाता है, इंडियन रेड स्नेक जो सांप होता है अपना पकड़ से ही जाना जाता है। और आप देख सकते हैं काफी तेजी से जकड़ लिया है। ठीक है, वीडियो नहीं, तो चलिए दोस्तों काट लेगा, गलती से हाथ से छूट जाएगा, मजबूती से नुकसान है, बहुत काफी मजबूत है। यूट्यूब देखल तालीमपुर स्नेक सबर मारा मोबाइल में पता चल जाए कि कथी हो। दोस्तों आप देख सकते हैं यह जो सांप है, जो पकड़ लिया है तो जल्दी छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है, ठीक है। और ऐसे ही ये पकड़ता जाएगा, तो दोस्तों यह अपना मजबूती से जाना जाता है। और इसका एक और नाम है घोर पछाड़ सांप, क्योंकि दोस्तों जब यह
छलांग मारता है तो घोड़ा को भी फेल कर देता है, यही कारण है कि इसको घोर पछाड़ता बोला जाता है। थी मांग के जा चेक करे लाए वो ए वो सुआ दीजिए सुआ दोस्तों। काफ़ी मेहनत के बाद सांप को जो है रेस्क्यू कर लिया गया है और इसे खेत में ले जाकर के छोड़ेंगे, क्योंकि खेत में जो है चूहा अक्सर मिला करता है तो चूहा को खाने के लिए अपने खेत में ही रहेगा। क्योंकि दोस्तों यह भारत सरकार के द्वारा यह संरक्षण किया गया है, सांप को अक्सर खेत में ही छोड़वाया जाता है ताकि चूहा जो है खेत का नुकसान न करे। थैंक यू। अगर आप लोगों ने तालीमपुर रहते हैं और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर जाकर फिर तालीमपुर लिखिएगा, हमारा वीडियो जो है आ जाएगा और चैनल भी आ जाएगा तालीमपुर एसएनएस पर। ठीक है, तो वीडियो बढ़ाओ देखिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत।